बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आज कल के मैंने वी लॉग में आपको द फ्यूचर फॉर्चून्स के हवाले से कंपनी थी उसके मुतलिक बताया कि जो डबल किया ट्रिपल किया 10 गुना ज़्यादा मुनाफा मुदस्सर खान साहब दे रहे हैं। फिर मैग वेंचर्स, उस हवाले से भी आपको बताया कि उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सैयद मोहसिन शाह साहब, हमारे लिए काबिल एहतराम है, सादात ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो भी नुसरबाजी कर रहे हैं और एप्पल स्टोर के नाम पर लोगों को कहते हैं कि आईफोन ख़रीदें हम आपको मुनाफा देंगे। फिर आप माजी में अगर ज़रा थोड़ा सा जाएँ वहाँ पर झांकें तो आप देखें कितनी ज़्यादा कंपनीज़ आती हैं, फ्रॉड करती हैं, लूट मार करती हैं, भाग जाती हैं। आज 25 जून है और मैग वेंचर्स की आज आखिरी डेट थी कि जिन्होंने एक प्रमोशन लॉन्च की थी। उस प्रमोशन में वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 15 मिलियन की डायरेक्ट सेल करें तो आपको आल्टो गाड़ी गिफ्ट देंगे। वो आल्टो गाड़ी रेंट की होगी या बैंक लीज की होगी ये नहीं बताया था, लेकिन ये था कि 1.5 करोड़ में आपने उनके पास इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर स्मार्ट ग्रुप की थोड़ी सी हम बात करेंगे कि कल के मैंने वीलॉग में आपको बताया कि स्मार्ट ग्रुप के जो नौसरबाज चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के दावेदार हैं नवीद अख्तर, उनने इल्ज़ाम आयद किया आईफोन के मतलब, वो मैंने आपके सामने रखा क्योंकि ये नौसरबाज कभी भी फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर सकते, इनमें इतना दम नहीं होता, क्योंकि जब आगे से सख्त सवाल किए जाते हैं रियलिटी की बुनियाद के ऊपर जब सवाल होते हैं तो ये नौसरबाज दुम दबा कर भाग जाते हैं। स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मतलब नाज़रीन, उसके मालिक नवीद अख्तर, उनके जो डायरेक्टर हैं इमरान कियानी, फिर उनके एक और डायरेक्टर हैं जिनका नाम राना इमरान है, फिर अब्दुल लतीफ़ है डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है, नाजिम राजपूत है, मलिक नवीद है, कि तमाम नुसरबाजों की तस्वीर आप देख लें। उज़्मा खान भी इसी कंपनी में, और आजकल उज़्मा खान पर तोड़ रही है मैग वेंचर्स के, जो मेरे तक इतला पहुँची है। अच्छा, स्मार्ट ग्रुप के ऊपर हमने पहले दिन से कहा था कि ये नुसरबाजी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिस कंपनीज़ के मतलब जो जो कुछ बताया, अगर कुछ झूठ है तो आप मुझे गिरेबान से पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले मेरी बातें तलख लगती हैं। जब स्कैम हो जाता है, जब फ्रॉड हो जाता है, तो आप मुझे कॉल्स करते हैं कि इसके ऊपर प्रोग्राम कर दें, उसके ऊपर प्रोग्राम कर दें, तो उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होता है, प्रोग्राम करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पहले हम आपको आगाह कर देते हैं। आईएसएम मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जब शौकतुल्ला मरवत ने लॉन्च की तो उस वक्त मैंने प्रोग्राम करके बता दिया था कि ये नौसरबाजी करेगा, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। आप देखें अरबों रुपये का फ्रॉड करके वो भी पाबंदे सलासल है, वो भी सिर्फ इस आस उम्मीद पे वहाँ पे बैठा हुआ है कि उसको सज़ाएँ हों, क्योंकि 382B का एक मुलज़म को फ़ायदा दिया जाता है। 382B नाज़रीन वो होती है कि अगर एक मुलज़म गिरफ़्तार है तो जितना अरसा वो जेल में रहेगा वो अरसा उसका काउंट होता है, क्योंकि पहले तो ये था कि दिन और रात दो काउंट होते थे, अब लॉ थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आप सिर्फ जो छुट्टियां होती हैं ईद की शबरात की वो छुट्टियां काउंट की जाती हैं, कि पहले तो ये था कि अगर किसी को 12 साल की सज़ा हुई है तो 6 साल वो कैद काटता था, उसके बाद वो बाहर आ जाता था, अब वो 6 साल की जगह उसको 9 साल की कैद काटना पड़ेगी। 382B का मैं बता रहा था कि वो होता है जो बंदा जेल में टाइम गुजारता है, 382B का उसको फ़ायदा दिया जाता है कि उसके वो जेल के जो दिन होते हैं वो भी काउंट होते हैं, गिने जाते हैं उसकी सज़ा में। अब शौकतुल्ला मरवत भी ये कर रहा है कि उसको तमाम केसेस में सज़ाएं हों, यकमुश्त तमाम सज़ाएं शुरू होंगी और वो अरबों रुपया लेके पाकिस्तानी आवाम का वो अय्याशी मारेगा। स्मार्ट ग्रुप की हम बात कर रहे थे नाज़रीन, स्मार्ट ग्रुप के जो मालिक हैं नवीद अख्तर, जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो खुद दुबई भाग चुके हैं। इस्लामाबाद का जो वहाँ पे उनका ऑफिस था ब्लू एरिया में, वो ऑफिस, ये इतला मिली है मुझे कि वहाँ पे रेंट नहीं दिया गया और इस यकम को वो ऑफिस भी खाली किया जा रहा है, वो करवा रहे हैं वो मालिक, क्योंकि ये नुसरबाज उन्होंने उस ऑफिस वालों के साथ भी नुसरबाजी की है। फिर उन्होंने कहा जी कि 6 से 9% हम आपको प्रॉफिट देंगे, मैंने दावा कर दिया ये प्रॉफिट नहीं देंगे। अब देख लें कि नवीद अख्तर, उसके जितने हवारी हैं, ये तस्वीरें मैं इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि ये चेहरे आपके सामने जहन नशीन हो जाएं कि जब भी ये किसी कंपनी में जाकर लूट मार करें और आपको सुहाने ख्वाब दिखाएं, आपको कहें जी आपको गाड़ियां गिफ्ट की जाएंगी, आप कहें आपको टूवर्स मिलेंगे, आपको फ़ोन गिफ्ट्स किए जाएंगे, तो आपने इन नुसरबाजों की बातों पर यकीन नहीं करना, क्योंकि ये नुसरबाजी करके आ चुके होते हैं। नवीद अख्तर अब दुबई है, अब जिन्होंने आईएसएम स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में जो पैसा लगाया था अब उनका पैसा डूब चुके, अब देखते हैं कि नवीद अख्तर अगला पत्ता कौन सा खेलता है। फिर जो मैग वेंचर्स की जहाँ तक बात है, सैयद मोहसिन रज़ा, सैयद मोहसिन शाह हो गया, राना फयाज़ हो गया, सुहेल समीर हो गया,
दीगर उनके जितने भी कर्ता धर्ता है इनका भी कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक पीडीएफ बनाई है, उस पीडीएफ में लिख दिया कि ये कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स का बिजनेस करते हैं, ये मैग मोटर्स का बिजनेस करते हैं, मैग कैफे का बिजनेस करते हैं, फिर इन्होंने कहा जी सुपर स्टोर का बिजनेस करते हैं। अगर आपको, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, इसी तरह बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक है सैफुररहमान खान नियाज़ी, उन्होंने भी बी फॉर यू के नाम से स्टोर्स बनाए थे और आपको वो डॉलर्स दिए थे कि आपके अकाउंट में 10 लाख डॉलर है, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स होते थे, नंबर्स का हेर फेर होता था, आप उन डॉलरों से कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते थे। अब ये मैग वेंचर्स वाले भी इसी तरह का एक प्लान लेके आए हैं, वो कहेंगे कि ये आपको डॉलर आपके अकाउंट में आ चुके हैं, अब आप जाके शॉपिंग करें, कहाँ से करेंगे ये वो आपको नहीं बताएँगे। लेकिन मैग वेंचर्स के सैयद मोहसिन शाह, जो राना फयाज हैं, और दीगर इनके जो कर्ता धर्ता हैं, सुहेल समीर हैं, या फिर राजा उबैद हैं, मोहम्मद जवेद हैं, ये तमाम इन लोगों ने भी आपके साथ नुसरबाजी करनी है। अब जो लोग कहते हैं जी कि हमारे साथ फ्रॉड तो हो चुका, हमने पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट की थी, तो खुदा रहा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोशल मीडिया ज़रूर एक्सप्लोर किया करें, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे आपको असलियत मिल जाएगी। क्योंकि जो लोग अभी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं वो अब लोगों को लालच दे रहे हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है तो आप उनके साथ ज्वाइन हो। उन्होंने भी करना क्या है कि उन्होंने जिस तरह राजा रियाज ने अपना यूट्यूब बेचा, वो यूट्यूबर्स भी अपना यूट्यूब भेजेंगे और साथ आपको भी बेच देंगे, आपको कहेंगे जी वो कंपनी तो स्कैम कर चुकी है, ये हो गया, अब इस तरह का फ्रॉड होगा। अब आपने करना क्या है, जो लोग कहते हैं जी हमारी रकम डूब गई है, अब हमें रकम वापस कैसे मिलेगी, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन आपने कमीशन एजेंटों के ऊपर हाथ डाला, जिस दिन ये नौसरबाज कमीशन एजेंट गिरफ्तार होना शुरू हो गए, पहले तो बात है कोई कंपनी स्कैम करेगी नहीं, क्योंकि इन कमीशन एजेंटों को बखूबी इल्म होता है कि इस कंपनी ने कितना अरसा चलना है, कितना अरसा ये कंपनी रहेगी। अब मैक वेंचर्स वाले जो देख लें, वो 2 से 2.5 माह 1.5 माह इतना टाइम है, उसके बाद ये लोग भी भाग देंगे। इससे पहले भी आप देख लें कितने लोग भागे हैं, द फ्यूचर फॉर्चून्स वाले हैं मुदस्सर खान साहब, इन्होंने जो आपको कल मैंने बताया था कि 13,000 के ऊपर 75 से 90 रुपये रोज़ाना और 1950 से 2340 रुपये माहाना प्रॉफिट दे रहे हैं, कहाँ से जनरेट कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं, क्योंकि मनी रोटेशन है, उनको मालूम है कि 75,000 रुपये हमने लेना है और हमने अगर 2,500 वापस कर दिया तो उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ना। और इसी तरह इंसान क्योंकि लालच और हवस का पुजारी है, जब तक लालची जिंदा है ठगबाज नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा, वो तरह तरह के नाम तब्दील करके मार्केट में आएगा, लोगों को चूना लगाएगा, किसी एक को टूर करवा देगा, किसी एक को रेंट की गाड़ी दे देगा, किसी एक को बैंक लीज की गाड़ी दे देगा, इंस्टॉलमेंट पे लिया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देगा, तो लोग ये समझेंगे ये कंपनी असल है। अब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी मैं बार बार ये इल्तजा कर रहा हूँ, अगर आपने रकम वापस लेनी है तो बजाय मुजाहरे करने के, मुजाहरे करेंगे तो ये ख्याल कीजिएगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है, आप उन कमीशन एजेंटों को हिट करें, उन कमीशन एजेंटों के घरों के बाहर जाएं, उन कमीशन एजेंटों को नामजद करें अपनी दरख्वास्तों में, तायर नसीर दावा करता है आपको आपका सरमाया ज़रूर वापस मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।